अम्मा क्यों चिल्ला रहा है? खाने को कुछ है? नहीं है। क्या मतलब क्यों नहीं है? काम कर रही थी। तो इसका मतलब है कि अब इस घर में फाके होंगे? फाके? बकवास बंद कर, ला रही हूं। चली जाओ, ले लाओ। बस भूख लग रही है, घर आओ तो मां खाने को नहीं देती। अरे जल्दी ले आओ, कैद पड़ गया पेट में। ला रही हूं, शोर मत मचा ज्यादा। जल्दी लाओ ना, बुढ़ापा आ गया तुम पर भी, चला नहीं जा रहा क्या? क्या है ये? अरे क्या है ये? रोज दाल? इस घर में क्या दाल ही पकती रहेगी जिंदगी भर? गोश्त नहीं पकेगा? जब कमा के लाएगा ना तो गोश्त भी बन जाएगा। अम्मा तुम जो मुझे कमाने के ताने मत दिया करो, 100 दफा कहा मैंने तुमको, मैं तुम्हारी एक सगी औलादी हूँ ना, ये नहीं? हाँ, मेरे ही पेट की आग है तू, वरना हाँ वरना तो कब के बुझा चुकी होती, मैं मर चुका होता, होता ही नहीं दुनिया के अंदर। ये बात मुझे याद हो गई है, बार बार नहीं दोहराया करो। काश काश जहर इतना सस्ता होता तो कब का दे चुकी होती तुझे, मगर यहाँ तो रोज के फाकों की नौबत आ गई। जहर खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा तो यूं कहो ना कि तुम्हारे इस लौते बेटे के लिए खिलाने को कुछ नहीं है। तुझे तो जहर ही लगेगा बदबख्त, कुछ मेहनत करके कमाया होता खाया होता तो पता चलता तुझे। ना शुक्रा है, और ना शुक्रे को तो आसमान भी कम पड़ता है। इतनी बात है, तुम क्या कर रहे? चुप कर जाओ। दे, मैंने शफीक और फातिमा के लिए रखे हुए ये पैसे। नहीं कर, फाइट नहीं करनी। अरे पौधे खिलाओ उनको इस गमले के, ये दाल खिलाओ सड़ी हुई। नहीं कर, तो बाहर जाके गोश्त खाऊंगा, भले बाहर जाना पड़े। ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसे बर्बाद ना कर, इसे उजाड़ मत फाइक, इसे ना उजा। मम्मी मैं स्कूल कब जाऊंगा? मदरसे के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक मैं ही नहीं जाता। परेशान नहीं है, अब बहुत जल्दी तुझे स्कूल भेजूंगी, दिल छोटा मत कर। आज ना कुछ अच्छा सा पका के खिलाऊंगी, मैडम ने पैसे ला दे। क्या दे? अरे जो आज तुझे पैसे मिले वो दे। खर्च हो गए। अच्छा कहाँ खर्च की जरा बता मुझे, क्या लिया तूने? इसकी फीस भर दी। किसको बेवकूफ बनाती है तू? मुझे पता है मौलवी साहब इसको पढ़ाने के पैसे नहीं लेते, चरिया मत बना मुझको। यतीम समझ के पढ़ाते है ना इसको। तू जरा आज घर चल, बहुत दिन हो चुके तेरी हड्डियां सेक हुए। आज के बाद अपनी मेहनत की कमाई का एक रुपया भी तेरे ऊपर खर्च नहीं करूंगी मैं। अच्छा मिजाजी खुदा हूं मैं तेरा, मेरी खिदमत करेगी, मुझ पे खर्च करेगी तो सीधा जन्नत में जाएगी, समझी? ना दे, ना दे। फाइक, फाइक मत कर, फाइक मत दे, फाइक दे। चला साइड में, आज कीड़े मरेंगे तुझे। पता नहीं कौन सा मनहूस वक्त था कि मैं तेरी जिंदगी में लिखी गई, तू अपना अंजाम देखना। मत रो अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अब कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी तरफ ही आ रही थी बेटा, कहाँ जा रहे हो?
हाँ अम्मा, वो नमाज पढ़ने जा रहा था मैं। तुम बताओ, तबीयत ठीक है? सुस्त लग रही हो बहुत ज्यादा। नहीं, थकन हो गई है। इस उम्र में 19-20 लगा रहता है। देखो अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ। छुपाओ मत, बेटा समझो, बता दो। बेटे बेटे क्या बातों, तो ये नौबत आई है कि फाके काटने पड़ रहे हैं इतनी मेहनत के बावजूद भी। अम्मा क्या हुआ है? वो कुछ एडवांस मिल जाता तो। हाँ, वो तो कोई मसला नहीं है, ये लो। अम्मा लेकिन एक बात बताओ, पहले जो एडवांस दिया था मैंने, वो क्या रकम कम पड़ गई है? वो हाँ लिए तो थे, मगर मैं जानती हूँ बेटा, काम पूरा किया नहीं, एडवांस लेने चली आई। कर दूंगी काम इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है अम्मा, कोई नहीं, चलो ये एक काम करो, ये भी रख लो। नहीं नहीं, इससे हो जाएगा गुजारा। अरे अम्मा मैं बोल रहा हूँ ना, रख लो, बेटा समझो मुझे। एक बात बताओ मुझे अम्मा, कब तक करोगी काम? दिखा देना डॉक्टर को सही से, नहीं दिखाया ना, तबीयत सही नहीं हुई तो फिर कैसे करोगी काम? आगे नहीं मिलेगा टाइम पर। हो जाएगा गुजारा इंशाल्लाह। चाय पियोगी अम्मा? छोटे चाय लेकर आओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, चाय की बड़ी जरूरत महसूस तो हो रही थी। ये लो अम्मा चाय। अम्मा एक बात बोलूं, तुम्हारी खुददारी को ना सलाम है। वैसे हजारों ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि ईमानदारी और मेहनत से कमाना चाहती हो। सर तुम्हें देखकर ना मेरा एतमाद और बढ़ जाता है ईमानदारी और मेहनत पर, वरना इस दुनिया में तो हजारों लोग पड़े जो कैसे बेईमानी और दो नंबरी से काम करते, लेकिन तुम्हें देखता हूँ ना अम्मा, तो मेहनत और खुददारी पर एतमाद बढ़ जाता है मेरा। तुम अच्छे हो ना, इसलिए सबको अपनी तरह समझते हो। लेकिन लेकिन क्या अम्मा? लेकिन बहैसियत माँ में नाकाम हो गई। एक ही बेटा था मेरा जिसे मैं ठीक तरह उठा नहीं सकी। अम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन अब तुम्हारा वो बेटा बड़ा हो गया है, उसे एहसास होना चाहिए तुम्हारा। कब तक तुम अकेली बूढ़ी औरत काम करोगी, इस तरह मेहनत करोगी? कम उम्री में बेवा हो गई थी, घर का काम और बाहर की जिम्मेदारी सब मुझ पर पड़ गई थी, बौखला गई बस एकदम से। पर एक बात हक है, बाप की कमी माँ कभी पूरी नहीं कर सकती, शायद यही कमी रह गई मेरे बेटे में। अम्मा मानना पड़ेगा, कब तक साइड लोगी अपने बेटे की? उसको समझाओ कुछ और ख्याल करो अपना। अच्छा बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बड़ी तलब हो रही थी चाय पीने की। एडवांस के लिए बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। कोई बात नहीं अम्मा, पर डॉक्टर को दिखा देना। अल्लाह कामयाब करे। कब सीखेगा तू दबाना? सीख ले या नहीं, कैसे सिखाऊं तुझे? जान नहीं है क्या तेरे में? कैसे मरे मरे हाथों से दबा रहा है, खाता तो हाथी की तरह। क्या कर रहा है तू? अरे छोड़ उसको, कि क्या कर रहा हूं मैं? तुम दोनों कहां गए थे रात में? पूरी रात दरवाजा खुला रहा है, कुछ और डाकू घर में घुसा था। फिर जब घर में लुटेरे होते हैं ना तो बाहर वाले रहम कर लेते हैं। शफीक अंदर जा, बैठ यहाँ पे। मैंने तुझे कहा जाने को? मैंने कहा तुझे जाने को? नहीं ना, पाँव दबा मेरे। तू कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं तुझे नहीं बोलूंगा। बजाय इसके कि उठ के अपनी माँ की मदद कर, उसका ख्याल रख, उल्टा बच्चे को तेवर दिखा रहा है, शर्म आती है तुझे? कोई बात नहीं अम्मा, मैं दबा देता हूँ, बस तुम लोग लड़ो मत।
तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरा लड़का सीख ले इससे कुछ। अम्मा मेरे कमरे में चल के आराम कर लो तू। अरे क्या हो गया अम्मा को? वो अम्मा क्या मसला तुम्हारे साथ? क्यों ड्रामेबाज औरतों की तरह डॉक्टर के पास जाने का नाटक कर रही हो? उन औरतों में शामिल होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मा की ना तबीयत वाकई में खराब है, डॉक्टर ने टेस्ट करवाने का बोला है और साथ में ये भी कहा है कि वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो बीमारी लाइलाज हो जाएगी। अंधी है क्या तू? देख नहीं रही कितनी हट्टी कट्टी है, कितनी जानदार है मेरी अम्मा। अरे इसको कुछ नहीं हुआ और तू एमी शेख ही नहीं मार समझी, तेरे को कोई मेडल नहीं मिलने वाला। तू रहेगी फिर भी इसकी बहू, बेटी की जगह नहीं ले सकती। बकवास बंद करो अपनी अपनी तुम लोग, मेरा सर फटा जा रहा है दर्द से। अम्मा तुम चल के आराम करो, मैं दवा देती, लेकिन दवा दूंगी कैसे? वो तो दूध के साथ देनी है और दूध तो है नहीं घर में। अरे मेरा मसला नहीं है, जा चल ऐसी दे दे, दूध के साथ देनी है। देख बेटा तेरे को समझा रहा हूँ मैं, औरतों को अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सीख ले मुझसे, वरना ये लोलो है ना ये जबान तेरी माँ की तरह इतनी लंबी हो जाएगी, समझा? अब्बा एक बात कहूँ? हाँ बोल। मौलवी साहब कहते हैं हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ उसने सलूक करो, ये आप कैसे भूल गए? हाँ। है ना तू अपनी माँ की तरह, मेरे ऊपर तो गया ही नहीं है, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं तुझे। मैं आपकी तरह बनना भी नहीं चाहता। क्या क्या कहा तूने? क्या क्या बोल दोबारा बोल, दबा सही से पाऊं ऐसे ऐसे जान लगा। हाथ गला उंगलियां शाबाश शाबाश। फातिमा, अरे फातिमा जाके देखो ना खांसी जा रही है अम्मा, चुप करो खांसी उसकी। क्या मुसीबत है, रात को तो सुकून से सोने दे। तुरी अब मर गई है, जाके देख लेना उनको। जी कुछ करना पड़ेगा। बस कर दे बस कर दे, क्या खांसी जा रही है, क्या तेरे फेफड़ों में तूफान मचा हुआ है इस वक्त? अरे तू खांसा बंद कर पहले, तू तेरी खांसी मेरे दिमाग को लग रही है, खांसा बंद कर। बस नहीं बंद करेगी, नहीं बंद करेगी। तू सुनाई नहीं दे रहा, तू सुनाई नहीं दे रहा। पानी, अरे पानी छोड़, तू खांसा बंद कर। जूतियां पहन, जूतियां पहन और चल चल चल। तूने तो मुझे घर से निकाल दिया था ना फाइक, बहुत अंधेरा था, बड़ी मुश्किल रात थी वो। ये पता है मेरा साथ किसने दिया? एक कुत्ते ने। वो सारी रात मेरे साथ बैठा रहा और उसको मेरी खांसी से भी कोई मसला नहीं था। इंसान से वफादार तो कुत्ता ही है, फिर पता नहीं क्यों तेरे जैसे इंसानों ने उसे गाली बना दी। मैंने तुझे नहीं अपनी किस्मत को धक्का दिया था उस दिन माँ। तू तो बिल्कुल अकेला है फाइक, तेरे साथ तो कुत्ता भी नहीं। अगर तू परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। माँ की मोहब्बत का फैज तो उस वक्त भी जारी रहता है जब वो इस दुनिया में नहीं होती। अम्मा 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 कहाँ चली गई?
अम्मा उठो, क्या कर रही हो यहाँ पे? सुबह हो गई, सारी रात से बाहर थी। कोई मसला था तो मुझे उठाती ना, मुझे बता देती। फायर की नींद खराब हो रही थी इसलिए यहाँ चली आई। नींद खराब हो रही थी? चार चार नौकरियां करता है क्या जो सुबह उठना होता है? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना सर पे चढ़ गया है वो। चलो चलो अंदर। अरे सही से दबा, सही से ऐसे दबा, उंगलियां गड़ा के। शाबाश, हाँ शाबाश। बड़ी जल्दी आ गई तू घर पे, लगता तरक्की हो गई है तेरी, जो सरकारी अफसरों की तरह हाजिरी लगवा के काम से सीधा घर आ गई। पानी पिला मुझे। रुक, अंधी है क्या, दिखता नहीं है तेरे को? पाँव दबा रहे हो मेरे, वहां चली जा, पानी रखा है, ग्लास भी वहीं रखा है, निकल। फाइक देख, इस वक्त मेरे मुंह मत लग तू। मेरे मुंह ना लग? नहीं तो क्या करेगी? अरे नौकरी से निकाल देगी मुझको। बोल बोल ना, चाहता क्या है आखिर तू? बता क्या चाहता है? तेरी और तेरे घर की नौकरी करते करते ना मेरी हड्डियां गल गई, नहीं होती मुझसे नौकरी। क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल, नौकरी नहीं करेगी क्या तू? बोल। एक नहीं 1000 बार कहूं, नहीं होती मुझसे नौकरी, नहीं जाऊंगी कल से मैं काम पे। बस कर दे। अरे उधर अम्मा बीमार पड़ी है, पूरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? तेरा बाप। जाके मेरे बाप से पैसे ले ले और मुझे माफ कर दे। मान चलाती मजाजी खुदा से? हाँ, सारे कॉल अकवाल तूने अपने मतलब के याद किए, मैं एक बार भी तूने अपना कोई फर्ज अदा किया? बीवी माँ बच्चे का क्या हक होता है, कोई एक भी याद है तुझे? अरे रखवाला हूं मैं इस घर का, छत हूं तुम लोगों की छत। खुशफहमी है तेरी, इस छत तले भी ना बेसाहिबान है हम लोग। देख मैं ना बहुत परेशान हूं, मुझे तंग मत कर, कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर की आग तुझे भी झुलसा के खाक कर दे। अरे जाकर नहीं है, मुझे बता ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ बोल, बता मुझे क्या हुआ है बोल। काश ये बात तूने एक बार मुझसे प्यार से पूछी होती तो मैं भी इस काबिल होती कि अपना दुख दर्द तुझसे बांट सकती। हो गया तेरा नाटक, जल्दी से मतलब की बात कर, बोल। नौकरी से निकाल दिया, फारिग कर दिया मुझे। खुश क्या? अरे क्यों निकाला तुझे, ऐसा क्या कर दिया तूने नौकरी पे? चल हम अभी चल के उनसे माफी मांगेंगे। क्या बोल गया तू? नहीं करेंगे मुझे माफ, माफी मांगी, भीख मांगी, पाँव पकड़े मिल्लत समाजत की, बहुत गिड़गिड़ाई उनके आगे, तेरी वजह से दिमाग इतना खराब रहता ना, गलत कटिंग कर दी। शुक्र कर तुझ जैसे कंगले फकीर से जुर्माना वाली मांग रहे वो, चुप हो जा तू। बस बस के पानी में क्या हो गया, क्या कर दिया इस औरत ने? से घर का खर्चा चलेगा, कहां से खापे करूंगा मैं मां की दवाई? क्या देख रहा तू, चल नजर नीचे। परेशान ना हो अम्मा, अब तो मैं घर पे हूं ना, सवेरे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूंगी। ओ चलना हीरोइन, मेरी अम्मा डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगा इसको, तू सिर्फ काम करेगी काम। कैसा काम? शांता तो है, नौकरी चली गई है मेरी। अरे वही काम जो अम्मा करती है। दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं कैसे करूंगी कढ़ाई? जो सिलाई कर सकता है वो कढ़ाई भी कर सकता है, इसमें मुश्किल काम कौन सा है? चल मान लिया कि मैंने कढ़ाई करनी शुरू कर दी, पर अम्मा जैसी हाथ की सफाई कहां से लाऊंगी मैं? लो, अरे अम्मा जिंदा है, मरी नहीं है अभी, बैठ जाएगा ना तू उसके साथ, सीख लिया कर कुछ, बेढंगी औरत। मुझे नहीं सीखना, अब कह रही हूँ ना नौकरी ढूंढ रही हूँ, जैसी मिल जाएगी ना चली जाऊंगी मैं। इतनी मुश्किल से मैंने इस मसले का हल निकाला है दिमाग पे जोर डाल के, और तू मेरी बात ही नहीं मान रही।
प्यार से बात कर रहा हूँ, मेरी बात मान जा, नहीं तो मैं वो करूंगा तेरा आश्चर्य। ए चुप रह, बड़ा अच्छा मसले का हल ढूंढा है तूने। ये नहीं होता कि खुद कुछ कर ले। शेर खुद कुछ नहीं करता, ये तो शेरनी का काम है कि वो बाहर जाकर शिकार करे और लाके शेर को खिलाए। बेटी क्या है, चल जा, जाके किचन में जाके चाय बना मेरे लिए। चल उठ, फौरन उठ, देखे रहिए, देखे रही, उठ जा, बना दे, चल ना, जा ना, इसको तो बस खिलाओ, अपनी जगह से हिलाओ नहीं। अरे बस कर दो ठोंटो। लकड़ी की ये बेंच बहुत सख्त है ना, हड्डियों में गड़ जाती है, इस तकलीफ का अंदाजा है मुझे। अरे आहिस्ता चलो। अरे अम्मा सही से चलो ना, इतनी हड्डी कट्टी हो तुम, चला नहीं जाता। अरे नहीं, हिम्मत नहीं हो रही, सांसों खड़ी है तुम्हारी तो, चलो ना। सुख नहीं, मुझ पे क्यों बोझ डाल रही हो, मैं गिर जाऊंगा, सर फट जाएगा मेरा। अजीब हो। अरे नहीं चला जा रहा, ठहर जा, ठहर जा। अरे क्या हो गया तुमको, यहाँ क्यों बैठ गई हो तुम खामा खामे? नहीं हिम्मत हो रही, कोई सवारी ले ले। अरे कहाँ से सवारी लाके दूँ तुमको, जगह नहीं भी तुमने, रक्षा वाला पूरे 500 रुपए मांग रहा था, कहाँ से लाके दूंगा उसको मैं, तुम हिम्मत। अच्छा मेरी बात, मेरी बात सुनो अम्मा, थोड़ा सा फासला रह गया, आ जाओ चलो। नहीं हिम्मत हो रही ना, कहाँ चलूं? अच्छा चलो उठो मेरे साथ, उठो ना। नहीं उठूं। अरे क्यों उठा जा रहा, खामा खामे बिठा रहा हूं ना तुम्हें, ख्याल कर रहा हूं ना तुम्हारा, तुम्हें मेरा एहसास नहीं है भाई? नहीं चला जा रहा ना, चलो यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे, बैठो कर लो। अजीब हो, परेशान करके रख दिया है। पानी, पानी यहाँ से कहाँ से लेकर आऊँ, कहाँ से लाऊंगा पानी, गला सूख रहा है। अरे तुम्हारा गला सूख रहा है तो मैं क्या करूँ उसमें, यहाँ कहाँ से लेकर आऊंगा पानी, मेरा इम्तिहान मत लो मत तुम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अपनी सांसें बहाल करो, ला रहा हूँ पानी कहीं से ढूंढ के। जलीलो खार होकर पानी लेकर आएंगे? इतने सारे नोट कहां से आए? खैर मुझे क्या, अल्लाह बादशाह तू बड़ा मेहरबान है, शक्कर खोरे को शक्कर दे ही देता है। अरे खिड़की आ गया तू। हाँ हाँ, अरे नीचे क्यों गिर पड़ी हैं? क्या हो? अरे क्या पता नहीं चक्कर आ गया था, उठाया नहीं तूने मुझे। तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ लेट जाओ, तुम यहाँ लेट के आराम करो जितना दिल चाहे, मसला नहीं है, थक गई होगी ना। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, घर घर चलो। देखो अम्मा बात सुनो, फिर मुझसे मत कहना, तुम्हारी मर्जी है, मुझसे शिकायत मत करना कि तूने चला चला के मुझे थका दिया है। नहीं नहीं घर ले चल, मैं ठीक हूँ, बस उठा ले। सुनती नहीं हो मेरी बात, आज कुछ और लोग आ जाते तो मैंने। चलो 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 हिम्मत करो, खुद से चलो, खुद से चलो, हिम्मत करो अब। आए हिम्मत नहीं हो रही, पकड़।
अगर पानी लाने के वक्फे में इतने बन गए तो पूरे दिन की दिहाड़ी तो हजार की बनेगी। नहीं नहीं, अम्मा बीमार है, शायद 2000 की बन जाए, यानी महीने के 60,000। वाह रिया अम्मा, तुम तो इस वक्त हर हाल में मेरे लिए फायदे का सौदा हो। अल्लाह करे और बीमार पड़ जाओ। पागल हुई है क्या? किन सोचों में गुम है? कुछ नहीं। कुछ तो है ना, तू और सोच, जमीन और आसमान मिले हैं क्या कभी? ओ चल ना, निकल यहाँ से। कारोबार करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं, और तू आ गई यहाँ नहुसत फैलाने के लिए। अरे वाह, कारोबार कारोबार करने की सोच रहा है सूरज? आज सही जगह से निकला है क्या? किस चीज का कारोबार करेगा? पैसा कहाँ से आएगा? तूने तो मुझसे कहा था कि जिम्मेदारी उठाना सीख ले। अब जब जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर ही रहा हूँ तो 100 सवाल 100 जवाब। तू थानेदार नहीं बन गई है क्या? एक बात को घुमा मत, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। साफ साफ पता क्या छुपा रहा है। खाना बन गया क्या? जाके खाना लगा, बहुत भूख लग रही है मुझको। अरे कल सुबह से मुझे काम पे जाना होगा, करेगा मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। सुन, ये जो तू कारोबार करने जा रहा है, इसमें कोई शराकत आ रहा है? नहीं मतलब कोई दोस्त यार पैसे लगा रहा है? इस बार तूने कोई भंड मारा ना, मैं सह नहीं पाऊंगी। मेरी माँ है मेरी शराकतदार। उनसे ज्यादा भरोसे के लायक भला कोई और होगा? कोई नहीं। या अल्लाह, उम्मा की खैर रखना बस। अरे खैर होगी, जा जाके खाना दे दे, भूख लग रही मुझको। चाय क्या दे रही है मुझको? तेजाबियत करेगी क्या, मरवाएगी मुझको? खाना मांगा है ना, ये ले, पौधों को पिला दी चाय। चल जा, जा जा खाना लगा। सर पे सवार रहती है, सोचो में भी नहुसत फैला दी। ये है ना मेरे कमाने का असल जरिया। वो मजा क्या, इतने सारे नोट। इस धंधे का पहले तो मुझे पता ही नहीं था, अगर पहले पता होता तो अभी तक तो मैं करोड़पति लग जाता। अब तक नोट सीधे करूंगा, उसका ऐसे ही डालो। चिल्लड़ भी क्यों छोड़ू, चिल्लड़ भी ले जाऊंगा, सब ले जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। शाबाश अम्मा, ये काम किया तुमने, शाबाश। तो खुश नसीब है फाये कि तेरे आंसू पोंछने के लिए तेरी माँ है। मेरे पास कोई नहीं था क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा ही नहीं। तू फिक्र ना कर, तेरी माँ जो तेरे पास। अरे अम्मा जल्दी आ जाओ, साड़ी पहन के जाओगी क्या? चखवाना पड़ता है, गला बैठ। अरे बाबा वाह, मेरी अम्मा तैयार होकर आ गई। चल आजा चलते, मुझे करना होना कुछ नहीं है, बस बेंच पे जाके पड़ जाना, लेट जाना, लोग खुद ही तेरे पास आएंगे। ये एक ये क्या है, ये स्वेटर क्यों पहन लिया तूने? अरे समझ बात को मेरी, सर्दी में ठठरती हुई लाचार बीमार औरत पर लोग ज्यादा तरस खाएंगे, समझना, उतार इसको। ये नहीं दूंगी मैं, मुझे सर्दी लगती है। रामा वाह, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हड्डियों में तेरे बड़ी जान है अभी तक, लेकिन मेरे अंदर भी जान है, मुझसे जान तू भी लड़ाएगी। उतार इसको, उतार उतार चल, उतार उतार दे, उतार दे, पीछे घूम, पीछे घूम ना जल्दी, एक एक पक कीमती है मेरा, फेंक दे इसको। हाँ सुन मेरी बात, सुन नहीं, मैं मजाक नहीं,
मेरी बहुत तबीयत खराब होती है, उनसे नहीं होगा ये सब कुछ, मुझे माफ कर दे। मां यही तो चाहिए, हाँ यही चाहिए। अब लोग आएंगे तेरे पर तरस खाते हुए, हजार हजार के नोट डाल के जाएंगे तेरे को। अम्मा ये चाहिए, सोच सोच, बूढ़ी लाचार बीमार औरत, सोच कितना पैसा जमा, सोच चला जा, आ जा। हाँ खास खास, जोर जोर से खास है तूने, जितनी तू खासेगी उतने लोग पैसे लगे जाएंगे, याद रखना, याद रखना, समझी ना। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी तबीयत खराब है, बहुत खराब है, बहुत कर दे, पैसे नहीं होगा ये। अम्मा क्या हो गया तुमको, मुझे क्या समझते हो, मेरे अंदर रहम नहीं है, मुझे बहुत एहसास है तुम्हारा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पैसे भी कमाने हैं, लखपति बनना बल्कि करोड़पति बनना है। अरे मैंने वो टिकटॉक पे देखा था, एक लड़की ने बिल्कुल इसी तरह से पैसे कमाए और बाहर के मुल्क में अपना घर ले लिया, आलीशान सा घर। तू नहीं चाहती, मुझे बता, मुझे बता ना, तू नहीं चाहती कि तेरा बेटा भी तरक्की करे, मालो दौलत जमा उसके पास, तू नहीं चाहती तरक्की करते हुए देखना चाहती है ना, हां चाहती है ना, है ना, है ना, चल फिर आ जा, पैसे कमाते आ जा। कहां जाना है? अरे चलो ना, वहीं भी जाना है, कहा तुमने आराम किया, चलो चलिए। अरे गिरोगी क्या, कहाँ कहाँ तक संभालूंगा, चलो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, हाँ बैठो चलो। अरे यहाँ नहीं, नीचे नीचे बैठ, नीचे जमीन ठंडी है, आराम से बैठ जाओगी तुम यहाँ पर। ये कितना सख्त है, मैं थोड़ी चाहता हूँ तुम्हें चोट लगे, हैं चलो, चलो, चलो आराम करो, आराम करो, देखो आराम करो, हवा कितनी जबरदस्त चल रही है ना, आराम करो। अब धंधे का टाइम शुरू हो गया, अब मजा आएगा ना। अम्मा याद है, याद है तुम कहती थी ना कि बिस्मिल्लाह पढ़कर जो काम शुरू किया जाए अल्लाह उसमें बरकत देता है। अब होगी बरकत, तुम डरना नहीं, मैं इधर ना सामने बैठा हुआ, ठीक है। सर ढेर सारे पैसे सुना देंगे और फैला देंगे। नोट डाला है, कौन आ रहा है? आ गया, आ गया। 50 साले गरीब के बच्चे। का मतलब है पैसा। अरे तेज चलो ना, क्या लंगड़ा के चल रही हो, इसी तरह लोगों ने तरस खाना है और मैंने पैसे कमाने, समझी समझी ना तू। अब्बा आज रुक जाओ, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। एक चमाट मारूंगा तुझे, चल यहां से। अम्मा की बात ना मानो, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तू मेरी माँ को बहका रही है, अभी तूने मेरी बात मानी, बोल आज तू दफा हो जा मेरे घर से, मैं तुझे तलाक दे, नाइंजार औरत, तलाक तलाक दी, दफा हो जा यहाँ से। अब घर पे वापस आऊं तो तेरी शक्ल ना देखूं मैं, मुझे तेरे जैसी औरत नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। क्या किया तूने, क्या कुछ किया? नहीं अम्मा आज कुछ मत कहो, एक लिहाज का रिश्ता था वो भी खत्म। चल शफी। अरे शफी को कहाँ लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, मेरी औलाद है, मेरा बेटा है ये। मेरी भी औलाद, माँ हूँ मैं इसकी। अरे जब मेरी बीवी नहीं तो फिर कहे की माँ, तेरे जहेज में नहीं आया था शफीक, ले ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। बुढ़ापे की लाठी नहीं,
खुदा की लाठी बन के परसेगा तुझ पे, जो बे आवाज होती। ले जा औलाद को भी ले जा, नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए, मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है बस। सकती है आज तो। अरे तुझे क्या हो गया, पैसे कमाने क्या कर रही है? हाथ खोल, हाथ खोल, हाथ खोल ना, निकालो पैसे। 3,000 रुपए चाहिए, 3,000 रुपए चाहिए, मैं बता रहा हूँ, समझ आ रही है ना, समझ आ रही है ना। हाँ जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। अरे हाय, ऐ रब्बे मलाइक जिनो बशर, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। खिदमत में तेरी शर्मिंदा नजर, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर। खुदगर्जी वो अमल है जिसमें इंसान किसी दूसरे के एहसासात का एहतराम किए बगैर सिर्फ अपने जाती मफाद या फायदा देखते हुए हर काम करता है। इस अमल में गरूर, अना और खुद पसंदी के अनासर शामिल होते हैं। खुदगर्ज अफराद अमूमन दूसरों के साथ बेइंसाफी करते हैं, दूसरों को इस्तेमाल करते हैं और उनकी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हैं। खुदगर्ज़ी इंसानियत, एहतराम और अखलाकी असूलों की खिलाफ वर्जी का सबब बनती है और रिश्तों को मुतासर करती है। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।